गुड मॉर्निंग बकरो, एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ, और दिन की शुरुआत हो रही है बाली से। मैं हूँ अभी बाली में और मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ आपको यहाँ की नाइट लाइफ। तो अभी मैं एंटर कर रहा हूँ स्पिन्स में, जो कि यहाँ का बहुत अच्छा क्लब है। इवनिंग में यहाँ पे सनसेट अच्छा रहता है और 8-9 बजे तक यहाँ रुकूंगा, उसके बाद बाकी क्लब दिखाऊंगा। इस तरह से आप ये सब देख सकते हैं। अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है और शॉपिंग नहीं करनी है तो अंदर चलते हैं, आपको यहाँ का दिखाता हूँ कि कैसा एम्बियंस रहता है और कैसी पार्टी होती है। अभी मैं आप लोगों से ही बात करने बाहर आया हूँ, लेकिन यहाँ भी म्यूजिक चल रहा है तो अवॉइड करना, अंदर भी म्यूजिक चल रहा है तो मैंने सोचा बाहर आकर बात करता हूँ। लेकिन आपको बता देता हूँ, अंदर जो जाने का चार्ज कुछ भी नहीं है, एंट्री फ्री है और अंदर भी कोई पूछने वाला नहीं है। आप जाकर भी आ सकते हैं, पसंद आए वापस भी आ सकते हैं, या पूल में जाना चाहें तो पूल में भी जा सकते हैं। तो मैं ऑर्डर करूंगा, लेकिन फिलहाल मैंने सोचा पूल में चलते हैं, लॉकर ले लूंगा और लॉकर में ये सब रखने के बाद पूल पे चलूंगा और वहीं से कुछ ऑर्डर कर लूंगा। लेकिन टेबल अगर चाहिए आपको तो टेबल जो छोटे टेबल है वो तो इजीली आप कुछ भी ऑर्डर करेंगे ले सकते हैं। जो बड़ा टेबल है वो है 50 मिलियन या ऐसे कुछ था, मैंने प्राइस पूछा था उसके टेबल के अराउंड, मान के चलिए आप 25-30 हज़ार आपको बिल देना ही होगा। मतलब कम से कम उतने का तो आपको कुछ ना कुछ खाना होगा, तो अकेले तो मेरे वो बस की नहीं है। तो मैं छोटा जो भी मुझे मंगाना होगा जब भूख लगेगी, क्योंकि पीता मैं नहीं हूँ, सिर्फ भूख लगेगी तो कुछ खाने के लिए मंगा लूँगा। अब दोबारा अंदर चलता हूँ और सिनेमैटिक में फिर एंजॉय कराता हूँ आपको अंदर की पार्टी। मेरे जो कपड़े थे ना वो मैंने लॉकर में रख दिया और लॉकर चार्ज अराउंड इंडियन रुपीज में 300 रुपीज। मैं अभी आ गया हूँ सेमनक और यहाँ पर जा रहा हूँ मैं एक क्लब पर, लेकिन मैं पहले वाले का एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ। वहाँ पर गया था, जो मैंने एंट्री चार्ज आपको बता ही दिया था, फ्री था, अंदर कोई चार्ज नहीं था। उसके बाद जब मैंने लॉकर लिया तो उनके उन्होंने मांगे मेरे से 5 लाख रुपया, मतलब यहाँ के 5 लाख में,
जिसमें 4,50,000 जब मैंने उनको की दी ना तो उन्होंने मुझे वापस दे दिए। सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज़ था जो चार्ज था लोकर का। इसके अलावा जो खाना था वो मैंने खाया था तो अराउंड से मुश्किल इंडियन रुपीज़ में देखेंगे तो 1,800-2,000 का बिल आया था। तो मुझे अच्छा लगा अपने इंडिया में दिल्ली में किसी भी कैफे में बैठ कर छोटे से छोटे में तो इससे ज़्यादा चार्ज लग जाते हैं। और यहाँ पर भी 3-4 क्लब है लेकिन ला फवेला क्लब है जिसमें इंडियंस ज़्यादा जाते हैं, तो उसमें चलता हूँ अंदर से, वो आपको दिखाता हूँ। इसमें एंट्री चार्ज रहेगा वो मैं आपको आने के बाद बताता हूँ। इसमें जो बॉयज़ की एंट्री थी ना उसके चार्ज थे 1,50,000 रुपीज़, और जो गर्ल्स की है वो फ्री है, ड्रिंक्स भी फ्री है गर्ल्स के लिए, और उसमें आपको एक कूपन मिलेगा, मतलब एक ड्रिंक फ्री मिलेगी, उसके बाद जो भी पियेंगे आप या कुछ भी लेंगे वो फ्री था। तो मैं थोड़ी देर ही रुका, मेरा मन नहीं कर रहा और मैं थक भी गया हूँ कि सुबह भी मैं कहीं और गया था, लेकिन कल फिर आऊँगा या तो देखूँगा, अगर ये वीडियो छोटी हुई तो इसी में ऐड कर दूँगा और नहीं हुई तो फिर अलग से बनाएंगे। फिलहाल यहाँ से जाता हूँ मैं अपने होटल। आज है नेक्स्ट डे और आपको पता है एक दिन में ना सारे क्लब जो है कवर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक ही वीडियो में आपको सारे क्लब दिखा दूँ। अगर यहाँ की नाइट लाइफ आप जीना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, तो वो एक वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बता सकूँ कौन सा अच्छा है, वो तो सारे क्लब जाकर ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मैं आया हूँ बिगेस्ट क्लब है जो यहाँ का बीच क्लब, वो और यहीं का नहीं जो पूरे वर्ल्ड का बिगेस्ट क्लब है वो ये है एटलस बीच क्लब। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, ये बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड है। तो अब इसमें चलते हैं, इसमें एंट्री चार्ज है, कल वाले में एंट्री चार्ज नहीं था, लेकिन एंट्री चार्ज में 1.5 लाख रुपए एंट्री चार्ज है इंडोनेशिया रुपया, और जिसमें आपको मिलेगा एक टॉवल और लोकर का मुझे पता नहीं और एक ड्रिंक। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं, और फिर आप बताना अभी इन दोनों में से, क्योंकि मेरे को कल वाला भी अच्छा लगा था, दोनों में से कौन सा आपको क्लब अच्छा लगा बीच क्लब। बाकी इनका ना जैसे ये तो क्लब है एटलस बीच क्लब जिसमें यहाँ से जाना है, और वहाँ देख रहे हैं वहाँ इनका दूसरा क्लब है जो कि नाइट क्लब है, जहाँ पर 4-5 बजे तक पार्टी होती है और यही बंद हो जाता है 12 बजे तक, तो उसमें भी जाना चाहे जा सकते हैं, उसके चार्ज अलग होंगे। यहाँ पे मैंने दे दिया 150 रुपये जिसमें ये ड्रिंक के लिए है, ये बैंड है, अंदर इसमें ड्रिंक मिलेगी, टॉवल और लोकर दोनों फ्री है। यस आप ये चेक करो, हम ये चेक कर रहे हैं, इस पर इनका नाम लिखा हुआ है ड्रिंक, यो सेम। म्यूजिक के साथ ऐसे लग रहा है कहीं हॉरर जगह पर मैं एंट्री कर रहा हूँ, देखना ऐसे म्यूजिक लग रहा है, और जो ये फील हो रहा है ना कैमरे में वो कैप्चर कर नहीं पा रहा लाइटिंग के चक्कर में, जैसे सामने लिखा हुआ है एटलस लेकिन इसमें दिख ही नहीं रहा है। तो आप अपने बच्चों को लेके आएंगे तो उनके लिए भी यहाँ पर देखिए ये है, इधर से मैंने एंट्री की है अभी, और इधर छोटा पूल है ये बच्चों के लिए। वैसे आवाज मेरी आनी रही होगी, पीछे म्यूजिक चल रहा है, मैडम गिर चुकी है पानी में, और इधर से अभी नीचे चलते हैं। बाकी ये काफी बड़ा है, ये फील से बड़ा है, देखोगे उधर भी बाहर है, छोटा छोटा पूल है, और ये बहुत बड़ा पूल है, ये बिगेस्ट बीच क्लब है वर्ल्ड में। और इसमें कितने पूल देखो, एक पूल, दो पूल, तीन पूल, बहुत सारे स्विमिंग पूल है इसमें। यहाँ पर लोकर फ्री है, कल जहाँ गया था वहाँ 50,000 रुपीज थे लोकर के जो चार्ज था, और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आपको स्कूटी के लिए रख ले 50,000 रुपये रखवाना, वो भी वापस मिल जाएंगे जब आप इसकी की वापस देंगे। तो ये लोकर है मेरा, अब मैं चेंज कर अपने ये जो कपड़े हैं ना ये इसमें रख दूंगा। Yeah.
ये पीछे छोटा पूल है और यहीं पर बाहर है, मतलब इधर ही आप ऑर्डर दीजिए और इधर आराम से बैठ के चिल कीजिए। बाकी लोग बहुत कम है, 10 से ऊपर स्विमिंग पूल है यहाँ पर। और मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो बाहर चलकर आपको बताऊंगा, यहाँ पर म्यूजिक बहुत तेज है। चलिए जी, शावर लेकर रेडी हो गया हूँ और इनका शावर एरिया है ना उस वाले से ऑलमोस्ट डबल है और फैसिलिटी भी ज्यादा है। शावर में जो शावर बात है वो था, शैम्पू था, सब कुछ था। और यहाँ भी देखेंगे तो सब कुछ है, ड्रायर है जो कि हर जगह चालू रहता है और ये हैंड वॉश है। लेकिन इधर देखो, माउथ वॉश भी है, बॉडी लोशन भी है, और शेव बनानी है तो फोम भी है, और बॉडी स्प्रे भी है, और परफ्यूम भी है, और हेयर जेल भी है। मतलब ऑलमोस्ट उससे डबल है और उससे ज़्यादा फैसिलिटी है। और मस्ती मस्ती में मैंने अभी तक अपनी ड्रिंक भी नहीं ली थी तो अब ड्रिंक ले ली है। और नॉन एल्किक के लिए ना यहाँ पर ड्रिंक देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट लेकर, ये सब है। तो मैंने इसमें रेड बुल ली है, मज़ा आया। लेकिन चलिए जी, म्यूजिक बंद, बार बंद, और जो वेव्स की आवाज़ आ रही है ना प्यारी प्यारी, समुद्र की बहुत प्यारी आ रही है। सब लोग जा चुके हैं, इधर मैं ही हूँ और एक दो लोग और होंगे। लेकिन सच बताऊँ ना, ये बहुत बड़ा है, मतलब वीडियो में आपको ना पता चले काफ़ी बड़ा है, कल वाले से तो बहुत बड़ा है जो आपने इससे पहले इस वीडियो में देखा। और दोनों का मैं कंपेयर करूँ ना तो ये बड़ा ज़्यादा है, फैसिलिटी ज़्यादा है, यहाँ लोग कम थे लेकिन अच्छे थे, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन पता नहीं क्यों वाइब्स वहाँ मेरे को बढ़िया लगी, यहाँ भी वाइब्स अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि आप देख लो बंद हो गया, सब चले गए हैं, लेकिन मैं अभी तक रुका हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा। लेकिन यहाँ से अगर कंपेयर करें दोनों को तो 20 ये लगा, 21 वो लगा। लेकिन अगर आप बाली आ रहे हैं तो दोनों जगह आएँ, एक एक दिन ज़रूर निकालें यहाँ के लिए। जिस तरह सब चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं ये भी एक्सप्लोर करना बनता है। इनका जो सबसे बड़ा बीच क्लब है वो यही है, तो मुझे तो अच्छा लगा, वाइब्स अच्छी लगी, लोग यहाँ पर पार्टी करना अच्छा लगा, और एक अलग एक्सपीरियंस था, चाहे उससे थोड़ा सा कम मजा आया हो लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। बाकी आप भी कंपेयर करना, आपने वीडियो में देखेंगे दोनों कौन सा आपको अच्छा लगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कल कहीं जाऊँगा वो नेक्स्ट वीडियो में बना दूँ, क्योंकि ये वीडियो पहले ही लेंदी हो गई है, काफ़ी बड़ी होगी 10-15 मिनट की। तो इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, मिलता हूँ नई वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए बाय, टाटा टी सी यू। चलते चलते भी थक गया, कितना बड़ा है देख लो, अभी 12:20 हो गए हैं, 12 बंद हो गया था, मैं इतना वॉशरूम गया ये किया तो ये बंद हो गया। मैं यहाँ से निकलता हूँ और कल मिलते हैं आपको नई वीडियो में कुछ नया लेकर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर नए हो इस तरह की वीडियो देखना अच्छा लगता हो, घूमना फिरना मेरी तरह पसंद हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए बाय टाटा सी यू।